हाय दोस्तों, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। द मास्टर प्रकाश क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि रोज़ाना की बात आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, तो हम आज पुनः आप लोग के लिए उत्तर प्रदेश से संबंधित लेखपाल भर्ती परीक्षा के ग्रामीण प्रवेश के 25 प्रश्नों को प्रैक्टिस सेट माध्यम से लेकर आए हैं, जिसमें आप लोग देखेंगे कि आप लोग के कितने सही प्रश्न बन रहे हैं। तो चलिए, देर न करते हुए प्रश्न पे चलते हैं। और हाँ दोस्तों, जो हमारे नए साथी मित्र हमारे चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबा लें, जिससे कि उनको समय समय से नोटिफिकेशन हमारा मिलता रहे। तो दोस्तों, चलिए समय ना खराब करते हुए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 25 प्रश्नों को फटाफट करना है और आप लोग भी अपने उत्तर को कमेंट में जरूर लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि सुमेलित करना है इसमें, ठीक है दोस्तों। क्या सुमेलित करना है? राज्य स्तरीय अधिनियम के एक्ट दिए गए हैं, उसी को सुमेलित करना है या कौन नहीं सुमेलित नहीं करना है, इसमें जो है कौन सा एक्ट किस सन में आया ये बताना है। तो पढ़िए, स्क्रीन पे जो है ऑप्शन चार जो है वाक्य लिखे गए हैं, ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, तो बताइए चारों पढ़िए और जो है अगले में उत्तर हम लोग देखते हैं। तो यूपी यूनिसिपैलिटी एक्ट जो है ये कब आया था ये देखते हैं। बिहार वेस्टलैंड रिक्लेमेशन कल्टीवेशन एंड इम्प्रूवमेंट एक्ट कब आया था ये भी देखना है। तो दिल्ली इरेक्शन ऑफ यूजेस ऑफ एक्टलैंड लैंड एक्ट जो है, बंगाल स्मोक न्यूसेंस जो है ये कौन सा एक्ट है, इसमें कौन सा आया था। तो देखते हैं, चार ऑप्शन है तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो दोस्तों, ये पहले वाले में यूपी म्यूनिसिपैलिटीज जो है इसका जो है ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, इसका पहला 1916 में आया था। चलिए देखते नहीं है, दिख नहीं रहा है तो ऑप्शन हम बता देते हैं आपको कौन सा सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन जो है, ठीक है दोस्तों, इसमें ऑप्शन बी जो है ये राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसको मिलान कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो इसमें जो है बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, यानी कि पहले में पहला सही होगा, दूसरे में दूसरा सही होगा, तीसरे में तीसरा और चौथे में चौथा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई थी ये बताना है। तो इसमें देखिए, स्क्रीन पे आंसर आपके सामने लिखे गए हैं, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर को देते रहें। इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा 1958 जो है ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इसमें ये सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। कह रहा है, उत्तर प्रदेश देश के कुल खाद्यान्न में कितना प्रतिशत योगदान करता है यही बताना है। दोस्तों, आप लोग उत्तर प्रदेश के बारे में लेखपाल भर्ती परीक्षा से संबंधित सभी तथ्यों को याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से ही परीक्षा में अक्सर प्रश्न आए जाते हैं, ठीक है। पहली बात, जैसे उत्तर प्रदेश के खाद्यान्न क्या है, क्या क्या कितना है, और प्लस जो है जनगणना के विषय में भी सारी चीज़ों को पढ़े लेना है। तो चलिए इसका उत्तर बताइए कौन सा सही हो जाएगा, खाद्यान्न में कितना प्रतिशत योगदान करता है अपना उत्तर प्रदेश ये बताना है। 78 का जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ये 21.38% ये सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितने कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है यही पूछ रहा है। तो बताइए दोस्तों, 79 का कौन सा सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा 2155 जो है किलो कैलोरी, ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इतनी आवश्यकता जो होती है ग्रामीण व्यक्तियों को प्रतिदिन किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, थायमिन की सर्वाधिक मात्रा वाला फल कौन सा है। तो बताइए दोस्तों, थायमिन जो है विटामिन थायमिन जो है किसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है यही बताना है। तो 80 का जो है हमारा
ए ऑप्शन काजू जो है, काजू में सबसे अधिक थायमिन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं देर न करते हुए। अगला प्रश्न कहता है सस्य गहनता कितने प्रतिशत से अधिक होने पर उसे गहन कृषि की उपमा दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर चारों आपके स्क्रीन पे हैं, तो आप लोग भी बताइए कौन सा सही हो जाएगा। 81 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए 200, ठीक है, प्रतिशत लगभग ये सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न कहता है झूमिंग खेती किन क्षेत्रों में होती है ये बताना है। तो झूमिंग खेती किन क्षेत्रों में होती है, चलिए बताइए। चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर को देते रहें। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा, पूर्वोत्तर प्रदेश में झूम की कृषि की जाती है। तो पूर्वोत्तर भारत में जो है ये होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि इधर क्या कहते हैं मेघालय हो गए, क्या कहते हैं असम हो गए, यहाँ सब पे झूम की खेती की जाती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है देखिए, कह रहा है कौन सी योजना 2011 से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में चलाई जा रही है ये बताना है। चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, शो हो रहे हैं, तो बताइए इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। तो हम बताते हैं ऑप्शन नंबर सी जो है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये है, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। तो कह रहा है प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को कोष की शुरुआत जो है कब की गई थी यही बताना है। प्रारंभिक शिक्षा कोष की शुरुआत कब की गई थी यही बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है 14 नवंबर 2005 को ये जो है इसकी शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए निर्णय करते हुए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। 85 का ऑप्शन नंबर डी जो है झांसी ये सही हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी झांसी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा शिवालिक पर्वत श्रेणी किस क्षेत्र में स्थित है। दोस्तों ये हिमालय के बात की बात कर रहा है, हिमालय के पास की। तो चलिए 86 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका, ये हिमालय के दक्षिण में निम्न भागों में जो है ठीक है, वहीं पे ये श्रेणी स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा गाय और भैंस के थनों में दुग्ध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है। राइट, अच्छा क्वेश्चन है। चारों ऑप्शन जो है आपके स्क्रीन पे है, तो बताइए दोस्तों कौन सा वो ऑप्शन है। तो चारों में इसे बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है ऑक्सीटोन, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीटोन जो होगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गाय या भैंस के सुई लगा के उनमें दूध उतारने के लिए लगाई जाती है सुई को। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा धारणीय कृषि का अर्थ क्या है ये बताना है। तो धारणीय कृषि का अर्थ क्या होता है यही बताना है हमको, इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। तो चलिए देखिए, चारों ऑप्शन सामने हैं, पढ़िए और आंसर को कमेंट में लिखिए। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी ये क्या है सही हो जाएगा, जो कि भूमि का इस प्रकार प्रयोग करना ताकि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। ठीक है, यही है धारणीय कृषि का अर्थ। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, जो कि एगमार्ग है, क्या एगमार्ग का तात्पर्य क्या है यही बताना है। तो देखिए, चार ऑप्शन दिख रहे हैं, आप लोग सभी ऑप्शनों को पढ़ा करें और जो ऑप्शन हो उसको कमेंट में लिखें और हम उन्हीं आंसरों को जिक्र करेंगे जो कि ऑप्शन में सही होंगे। तो 89 का ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, गुणवत्ता की गारंटी की मोहर जो है ये एगमार्ग के द्वारा होती है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है धूसर क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है बताइए। 90 का धूसर क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। तो ऑप्शन नंबर धूसर जो है ये उर्वरा उत्पादन से जो है संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है सी राइट आंसर होगा।
ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग कैसे फैलता है या किसके लक्षण से फैलते हैं, सॉरी इसके क्या लक्षण है ये बताना है। खुरपका और मुंहपका रोग जो फैलता है उसके क्या लक्षण है यही बताना है। तो 91 में जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है, ये ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त, तो सभी सही हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्यों सही होंगे, क्योंकि खुर तथा मुंह में छाले घाव का होना ये भी खुरपका और मुंहपका के लक्षण हैं। पशुओं का खाना पीना चलना आदि कठिन होना ये भी हैं लक्षण। पशु का निरंतर दुर्बल होने यानी कि पशु जो है हमेशा दुबले होते चले जाते हैं ये भी इसी के लक्षण हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कहता है, भूमापन में जरीव लाइन के प्रारंभ या आरंभ का समाप्त होने के स्थान क्या कहलाते हैं, बताइए दोस्तों। भूमापन में जरीन लाइन जहाँ पे प्रारंभ होती है या समाप्त होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है ये पूछ रहा है। तो 92 का ऑप्शन नंबर डी जो है मुकाम होता है ये दोस्तों, मुकाम इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसका मुकाम ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, केंद्रीय धान संस्थान यानी कि सेंट्रल राइस इंस्टीट्यूट जो है कटक के वैज्ञानिकों द्वारा विश्व का प्रथम अत्युत्तम धाम का नामकरण जो है किसके नाम से हुआ है ये बताना है। तो बताइए ऑप्शन नंबर सी जो है ये क्या है, यह है के जो है 402 यानी के 402 जो है ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न कहता है, निम्न में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक उत्पादन है ये भी बताना है दोस्तों। आप लोग हमारे प्रैक्टिस को अगर कर रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे तो ये दोस्तों आप लोग को मालूम होगा इसका कौन सा आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है गेहूँ सही हो जाएगा, क्योंकि ये तीसरे हमारे ख्याल से प्रश्न पत्र ऐसे हैं जिसमें ये क्वेश्चन आ रहा है। तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट अगर आप लोग बराबर कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं तो करिए, जिससे कि आप लोग के क्वेश्चन को गलत ना होने पाए। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, धान की खेती में नवीन श्री पद्धति अपनाने से क्या लाभ होता है यही बताना है। नवीन श्री पद्धति अपनाने से क्या लाभ होता है यही बताना है। तो देखिए दोस्तों नवीन श्री पद्धति क्या होती है, चलिए देखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी, ये सभी जो है दोस्तों अगर अपनाते हैं तो नवीन श्री पद्धति कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है इसका क्या तात्पर्य है बताना है, क्या उपलब्ध कराती है। तो इसमें जो है हमारा पेंशन तथा बीमा का लाभ जो है ये उपलब्ध कराती है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है ये सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, किस स्वपरागित फसल में संकर किस्में उगाई जा रही हैं। ठीक है, स्वपरागिक फसल में संकर फसल को उगाया जा रहा है, ध्यान दीजिए यह स्वपरागिक फसल की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें जो होगा ये धान जो है ये सही हो जाएगा, इसमें जो है हाइब्रिड सबसे अधिक है। ठीक है दोस्तों, इसलिए ध्यान रखिएगा आप, इसमें ऑप्शन सी धान सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं कि दलहनी फसलों के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं, तो आंसर को बताइए आप लोग। इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है कोबाल्ट जो है ये बहुत ही अति आवश्यक तत्व है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कहता है कि मेट्रिक जरीब में कड़ियों की संख्या कितनी होती है ये बताना है। ठीक है दोस्तों, तो बताइए इसमें कौन सा सही हो जाएगा, इसमें जो है कड़ियों की संख्या कितनी होती है, 100 होती है। मापन का एक जो है वो है क्या कहते हैं प्रणाली है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न, गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वो कौन सी नस्ल है ये बताना है। तो चलिए देखिए, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए इसमें कौन सा सही हो जाएगा।
तो इसमें दोस्तों जो है सभी लोग जानते हैं इसमें साहीवाल जो होती है नस्ल की गाय होती है ये सबसे अधिक दूध को देती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा। तो दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा और आपको सारे प्रैक्टिस सेट कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को करके हमें अवश्य बताएं और अपनी राय को ज़रूर भेजें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के सेशन मिलते हैं अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद।